वेलकम टू माई चैनल यूर वॉचिंग इंग्लिश स्टडी विथ श्रेता चौहान आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंट्स गेट राइट इंटर द वीडियो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग ये हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूसली आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता इफ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम बैडली बैडली यानी बुरी तरह से इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम बैडली मुझसे गुस्सा क्यों हो तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू एंग्री विद मी वाई आर यू एंग्री विद मी आप एंग्री क्यों हो विद मी यानी मुझसे या मेरे साथ सच कहने में हर्ज क्या है तो इसकी इंग्लिश होगी वर्ड्स द हार्म इन टेलिंग द ट्रुथ वर्ड्स द हार्म इन टेलिंग द ट्रुथ यानी सच कहने में कैसी हानि अब तुम तो मेरे दुश्मन हो गए हो जाना या बन जाना इसकी इंग्लिश होती है बिकम नाउ यू हैव बिकम माय इनेमी इनेमी यानी दुश्मन शत्रु नाउ यू हैव बिकम माय इनेमी मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है भरोसा यानी ट्रस्ट या बिलीव आई डोंट ट्रस्ट ऑन एनी थिंग यू से आई डोंट ट्रस्ट ऑन एनी थिंग यू से कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी यानी समटाइम्स और ऐसा नहीं है तुम झूठ बोल रहे हो ये तुम्हारी मजबूरी होगी कभी कभी बोलना तो वहाँ पर हम हैव टू लगाएंगे समटाइम्स यू हैव टू लाई नेक्स्ट आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी अब ऐसा नहीं है कि आप मन से सुन रहे हो लेकिन ये आपकी मजबूरी है कि आपको सुननी पड़ेगी तो अगेन हम हैव टू का यूज़ करेंगे यू विल हैव टू लिसन टू मी यू विल हैव टू लिसन टू मी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं इसे हम इंग्लिश में पूछेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव हाउ मच मनी कितने पैसे हैं कितना धन है हाउ मच मनी डू यू हैव आप इस वक्त कहाँ पर हो वेर आर यू यानी आप कहाँ पर हो इस वक्त इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एट द मोमेंट या फिर राइट नाउ वेयर आर यू एट द मोमेंट अगर आप एट द मोमेंट नहीं कहना चाहते तो राइट right नाउ ये वाला कैसा रहेगा मोस्टली जब हम किसी से कोई सजेशन पूछ रहे हों किसी के बारे में तो हम बोलते हैं हाउ अबाउट दिस वन अगर हमें पूछना हो वो कैसा रहेगा तो हाउ अबाउट दैट वन लाइक दैट उसकी तबीयत ठीक नहीं है यानी वो बीमार है इसे हम तीन तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं ही इज़ सिक या फिर ही इज़ नॉट फाइन या फिर ही इज़ नॉट वेल आप कोई सभी तरीका यूज़ कर सकते हैं नम्रता से पेश आओ नम्रता होती है पोलाइटनेस इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बिहेव पोलाइटली बिहेव यानी व्यवहार करो पेश आओ बिहेव पोलाइटली हर काम समय पर पूरा करो ओके okay, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीट ईच वर्क एट द राइट टाइम राइट टाइम यानी सही समय पर ओके okay, कंप्लीट यानी पूरा करना कंप्लीट ईच वर्क एट द राइट टाइम यह बात सच हो सकती है इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस मे बी ट्रू दिस मे बी ट्रू ओके हमारे यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी है संभावना है। तो हम संभावना के लिए किसी यूज़ करेंगे मे का तुम्हारा जो मन करे कर सकते हो तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू मे डू वट यू लाइक यू मे डू तुम वो कर सकते हो वट यू लाइक जो तुम्हें पसंद हो जो तुम्हारा मन करे यू मे डू वट यू लाइक मुझे नहीं लगता कि इससे बुरा और कुछ हो सकता है बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है लेकिन इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे आई डोंट थिंक यानी मुझे नहीं लगता समथिंग मे हैव बीन वर्स देन दिस वर्स यानी बहुत ही बुरा ठीक है और मे का हमने यूज़ किया है कि कोई पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है संभावना है कि इससे बुरा शायद ही कुछ होगा सो आई डोंट थिंक समथिंग मे हैव बीन वर्स देन दिस जाकर देखो हो सकता है कि वह गई हो जाकर देखो तो दो काम है जाना और देखना तो इसे हम कहेंगे गो एंड लुक शी मे हैव कौन तो यहाँ पर भी हमने मे का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर भी अगेन पॉसिबिलिटी है शायद वो गई हो जरूरी नहीं है कि वो चली गई हो इसलिए हम मे का यूज़ करेंगे पॉसिबिलिटी वह निस्सहाय होगा यानी लाचार होगा कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं है ओके okay, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हेल्पलेस ही इज़ हेल्पलेस राइट नेक्स्ट सेंटेंस उसे हर समय बुखार क्यों रहता है तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाई हैज़ ही गॉट फीवर ऑल द टाइम ऑल द टाइम यानी हर वक्त हर समय वाई हैज़ ही गॉट फीवर ऑल द टाइम बालों में तेल लगाया करो अप्लाई ऑयल टू योर हेयर तेल लगाया करो लोशन लगाया करो जब भी ऐसी चीज़ें हों तो हम अप्लाई का यूज़ करते हैं अप्लाई लोशन अप्लाई ऑयल अप्लाई क्रीम राइट वह पढ़ाई में लगा है यानी वो पढ़ाई में बहुत बिजी है तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ इंगेज इन स्टडी इंगेज का यानी मतलब होता है बहुत ज़्यादा व्यस्त होना किसी काम में जुट जाना ही इज़ इंगेज इन स्टडी तुम हजारों में एक हो तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे यू आर वन इन अ थाउजेंड यू आर वन इन अ थाउजेंड ओके लाखों में कहना हो तो यू आर वन इन अ मिलियन लाइक दैट उसकी मत पूछो तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट आस्क अबाउट हिम अगर लड़के की बात है तो डोंट आस्क अबाउट हिम अगर लड़की की बात है तो डोंट आस्क अबाउट हर ओके मैंने भी दुनिया देखी है बहुत ही कॉमन सेंटेंस है इजेंट इट इसकी इंग्लिश होगी आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड यानी मुझे भी अनुभव है तजुर्बा है आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड चाय कम पियो जब भी ऐसे सेंटेंस होते हैं ना जब खाने पीने की चीज़ों पे रोक लगाने वाले हों चाय कम पियो कोल्ड ड्रिंक कम पियो तो हम कट डाउन का यूज़ करते हैं कट डाउन ऑन टी कट डाउन ऑन कोल्ड ड्रिंक्स ओके मुझे बहुत पसीना आ रहा है पसीना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट आई एम स्वेटिंग अलॉट ठीक है तो स्वेट नाउन भी है वर्ब भी है आई एम स्वेटिंग अलॉट मुझे बहुत पसीना आ रहा है मुझे वह बहुत बातूनी लगा बातूनी यानी जो हमेशा बात करते रहते हैं तो इसे हम कहेंगे आई फाउंड हिम वेरी टॉकेटिव ठीक है टॉकेटिव यानी बातूनी आई फाउंड हिम वेरी टॉकेटिव उसे रोना आता है ही फील्स लाइक weeping और शी फील्स लाइक weeping डिपेंड आप एक लड़के के बारे में बात कर रहे हो लड़की के बारे में राइट right? तो रोना आता है तो हम इसे कहेंगे फील्स लाइक वीपिंग उसके मुँह पर रौनक थी देर वॉज लश्टर ऑन हिस्स फेस और देर वस्टर ऑन हर फेस लश्टर यानि रौनक उजाला खुशी वेल दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल इफ यू डू देन डोंट फरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस